आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है 19 ट्रेनिंग, ये बेसिकली है क्या, इसमें क्या करवाते हैं? उन 9 बेसिक स्किल्स में जैसे वीडियोग्राफी भी है, उसमें वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, एमएस ऑफिस। आपके इस कंपनी को, आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में जब ज्वाइन करना चाहता है, ये सीखना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स जिसमें फाइवर, अपवर्क, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की स्पेसिफिकली ट्रेनिंग है। अच्छा, और ये कोर्स हम इसको ज़्यादा मार्केट कर रहे हैं कि इसका स्कोप ज़्यादा है आने वाले दिनों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस गेस्ट को हमने मदऊ किया है, उनका नाम है हसीब अहमद, जो कि फाउंडर हैं 19 ट्रेनिंग्स के, और इन्होंने जनाब एमफिल एमबीए कर रखा है और एक 19 ट्रेनिंग को फाउंडर हैं और इसको रन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका क्या विजन है और इस मिशन को ये किस तरह से लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियो, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसीब भाई, थोड़ा सा बताएं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है 19 ट्रेनिंग, ये बेसिकली है क्या, इसमें क्या करवाते हैं? अच्छा, 19 ट्रेनिंग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसमें हमने एक आइडिया क्राफ्ट किया है कि हर इंसान को 9 बेसिक स्किल्स के साथ इक्विप्ड होना चाहिए। वो 9 बेसिक स्किल्स हमने कुछ रीजनल वाइज भी उनको डिफ्रेंशिएट किया है और कुछ हमने जियोग्राफिकली भी उसको डिफ्रेंशिएट किया है। मैम थोड़ी सी एक मिसाल दे देता हूँ। उन 9 बेसिक स्किल्स में जैसे वीडियोग्राफी भी है, उसमें वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, एमएस ऑफिस, इस तरह की 9 बेसिक स्किल्स हैं। अच्छा, फिर इन हर 9 बेसिक स्किल्स के आगे 3-3 लेवल्स हैं। बिगनिंग लेवल है, उसमें इंटरमीडिएट लेवल है, फिर उसमें एक्सपर्ट लेवल है, जिसमें किसी कोई भी इंसान एक स्किल्स को सीख के उसको अपने आप को मास्टर करके। इसमें 9 स्किल्स हैं? 9 स्किल्स हैं, लेकिन हमने इसको 3-3 के सेट में डिफरेंशिएट किया हुआ है। राइट, इसलिए इसका नाम भी आपने 19 के नाम से रखा हुआ है। राइट, अच्छा, बहुत सारे लोग कोर्सेज और ये सारी ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हैं, तो आपका ये आइडिया किस तरह से मुख्तलिफ है? हमारा आइडिया इस तरह से मुख्तलिफ है कि हम पहले एक असेसमेंट करते हैं अपने हर स्टूडेंट की कि क्या आया उसको उस कोर्स की ज़रूरत है भी या नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स देखा देखी या थ्रू एड्स आपके पास आ जाते हैं, बिल्कुल, कि हमें फलां कोर्स करना है, लेकिन बाज़ औक़ात उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती या उनके मिजाज के मुताबिक नहीं वो होता। ठीक है, और हो सकता है कि उनके पास उस तरह से वो इक्विपमेंट भी नहीं हो। जैसे वीडियोग्राफी के लिए आपको स्पेसिफिक कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं और बाज़ औक़ात वो आपको पेड मिलते हैं। ठीक है, और लेकिन स्टूडेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली हम फिर पहले उनका एक असेसमेंट करते हैं कि आप पहले उस फेज से गुजर के आएँ और फिर उस कोर्स में आप अपने आप को। हमने तो बहुत सारे ऐसे इदारे देखे जो बच्चा इनरोल होने आता तो उसको डायरेक्टली इनरोल कर लेते, जो कि उनको फीस मिल रही होती है। आप भी तो जारी बात है वो लेते हैं। आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बड़ा मुझे अच्छा लगा, तो ये बड़ा यूनिक आइडिया है कि इस तरह से एक बच्चे की साइकी देखें, बच्चा का बिहेवियर देखें, आया कि वो उसमें काम कर सकता भी है कि नहीं कर सकता। ये हमारा असल में 3-phase स्टेप होता है, इसमें भी हमारे 3 phases हैं। इससे पहले के असेसमेंट है, देन उसके बाद कोर्स इंडक्शन है, उसके बाद प्लेसमेंट भी हम करवाते हैं। अच्छा, यस, कॉर्पोरेट हमारे लाइजोन एक डिपार्टमेंट है पूरा, जिसके अंदर हम डिफरेंट कंपनीज के साथ हमारे MOUs हैं और उनके साथ लाइजोन डेवलप है, जिसमें हम उनके एज इंटर्नशिप पहले पेड इंटर्नशिप्स उनकी प्लेसमेंट करवाते हैं, फिर उसके बाद हम परमानेंट जॉब्स के ऊपर उनकी प्लेसमेंट मेक श्योर करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई आपके इस कंपनी को, आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में जब ज्वाइन करना चाहता है, ये सीखना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो कौन कौन से कोर्सेज फ़िलहाल आप ऑफर कर रहे हैं? हम अभी 4 हमारे 3-in-1 कोर्सेज हैं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जिसमें वीडियो, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का, ई कॉमर्स का, और सबसे बड़ा कोर्स जो पाकिस्तान में अभी तक किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को हम टारगेट कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स जिसमें फाइवर, अपवर्क, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की स्पेसिफिकली ट्रेनिंग है। अच्छा, और ये कोर्स हम इसको ज़्यादा मार्केट कर रहे हैं कि इसका स्कोप ज़्यादा है आने वाले दिनों में बजाय के दूसरी कोर्सेज के। अच्छा, अमेज़ॉन है इसमें? यस, हमारे हर कोर्स के अंदर 3 चीज़ें होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर ई कॉमर्स का कोर्स है, तो उसके अंदर लोकल ई कॉमर्स और इंटरनेशनल ई कॉमर्स के मॉड्यूल्स होंगे, जैसे द्रास, अमेज़ॉन और शॉपिफाई। अच्छा, तो इसकी कोई फीस भी रखी है आपने? सारी बात है, पेड तो होगा कोर्स, क्या फीस है? डेफिनेटली जो गवर्नमेंट सेक्टर है और जो एनजीओ सेक्टर है स्पेसिफिकली, या नदार तलबा, उनके लिए तो हमने इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अभी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए और उसमें अगर आप प्राइवेट इनरोल करते हैं तो उसमें डेफिनेटली फीस है, जिससे हम अपने कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपकी कंपनी किन किन एरियाज को, कहाँ पर ये फॉल करती है, आपकी इदारा कहाँ पर काम कर रहा है और कहाँ कहाँ ऑपरेशंस आपके हो रहे हैं? अभी मोस्टली हमारे ऑपरेशन साउथ पंजाब में है,
मियाँ चनू से लेके मियाँ चनू चूनिया साहिवाल रिनाला ये सारी पट्टी है। फिर उसके बाद ऐसे एरियाज रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे असेसिबिलिटी बहुत कम है, जैसे सिकंदर चौक बुंगा हयात ये पाकपतन के कुछ इलाके हैं, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे कोर्सेज करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आइंदा आने वाली चंद दिनों में या चंद महीनों में आप कहाँ देख रहे हैं आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन? देखें पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली पंजाब जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आबादी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कूल भी और एजुकेशन की हब भी यही है पंजाब डेफिनेटली, और सबसे ज़्यादा लाहौर में, तो हम तो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके और बाकी प्राइवेट स्कूल यूनियंस के साथ या कॉलेजेस एसोसिएशंस के साथ कोलैब करके इसको पूरे पाकिस्तान तक इसको हम स्प्रेड करें और इन फ्यूचर हम इसको फिर ग्लोबली भी देखते हैं कि हम ग्लोबली किस तरह से मज़ीद इससे ज़्यादा अच्छी जैसे पाइथन डाटा साइंस इस तरह की ट्रेनिंग्स को डेवलप मॉड्यूल्स बना के उनको आगे स्प्रेड किया जाए। ठीक है, अच्छा एज वी आर लिविंग इन डिजिटल एज और इस एज में आईटी का और फिर ये फ्रीलांस का बड़ा अच्छा दौर है और पाकिस्तानी जो इस वक्त सरमाया लेकर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा सरमाया है इस फील्ड में, और आप कहाँ देखते हैं कि हुकूमत को इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए और बाकी चैलेंजेस क्या अभी देख रहे हैं कि पाकिस्तान मार्केट में क्या? अच्छा, आपके पहले सवाल का जो आपके इनिशिएटिव्स क्या लेने चाहिए, डेफिनेटली गवर्नमेंट के कुछ अपने विजन्स हैं अपने प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट की स्पेसिफिकली एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक सबसे पहले तो बजट को ज़्यादा करना चाहिए जो एजुकेशन का बजट है। सेकंड मैं ये कहूँगा कि जो उनका ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है इन टर्म ऑफ कोर्सेज। गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटजी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं। व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम उनको कुछ चीज़ें ऐसी प्रपोज कर सकते हैं जिनके उनके अंदर कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, और हम वहाँ पे उनके गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हम बल्कि मल्टीपल टाइम्स हमने इनिशिएट ये बात इनिशिएट करने की कोशिश किया कि उनके गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्सेज करवाने के लिए तैयार हैं, तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट गवर्नमेंट। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए रेडी है। तो जनाब ये देखा आपने 19 ट्रेनिंग के जो फाउंडर हैं हसीब अहमद जिनका ये विजन है 19 ट्रेनिंग को लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान में फ्रीलांस की जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनते जा रही है और इसमें ये अपना भी रोल अदा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी एरियाज जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बहुत कम होती है, जहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ बहुत कम मैसर होती है। बड़े शहरों में तो हम देखते हैं कि जनाब कराची लाहौर या पाकिस्तान के बड़े जो शहर हैं वहाँ पर ये कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, लेकिन गाँव देहातों में पेरिफेरल एरियाज में जहाँ ये टारगेट कर रहे हैं वहाँ बहुत कम लोग जाकर उनको स्किल्स दे रहे होते हैं। तो जनाब ये इनका विजन है, ये मिशन है जनाब अहमद हसीब अहमद जो कि हमारे साथ मौजूद थे। तो उम्मीद करते हैं जनाब आज का सेगमेंट आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।